गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। और जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो है रिलेटेड आज भी पेपर से, वही 25.5 CA के पेपर जिन्होंने दिमाग खराब कर रखा भाई। ठीक है, तो सुबह सुबह की अपनी पहली ड्यूटी करने आ चुके हैं। मैं सुबह जल्दी उठा हुआ था आज 7:45 बजे का, पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा घर पर क्योंकि मन नहीं करता यार सुबह सुबह ना कैमरा उठाने का। मैंने कहा पहले थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं फिर आराम से उठा लेंगे भैया कैमरा, बना देंगे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, अपलोड कर देंगे फिर। तो चलो ठीक है, जैसा अब तक का कल वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि मैं पेपर देने गया था, आज फिर पेपर देने जा रहे हैं उसी दोस्त के साथ। बट आज एक चीज़ चेंज है छोटी सी, मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो आज एक ही पेपर है और दूसरा आज मेरी बाइक से जाएंगे, बस ये दो छोटी छोटी चेंजेज हैं बाकी। और आज आप ही जल्दी जाएंगे फिर मम्मी के साथ, आज वहाँ जाना है कोटला किसी काम से, नए वाले घर के किसी काम से जा रहा हूँ, कोटला जाना है फिर आऊँगा। फिर आज सैटरडे यार, आज मुझे कुछ काम था क्या जैतपुर में पता नहीं, आज ही था यार शायद, कोई नहीं। मेरे मन में था जैतपुर चलने का कि जैतपुर चलते हैं, हाँ जैतपुर जाना ही पड़ेगा, वैसे भी कल अपने एक भाई की सगाई है। चलो चलते हैं चलते हैं। गाइस रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, ठीक है, टाइम नहीं था इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। मैं नाश्ता खुद भी नहीं कर रखा, नाश्ता ही नहीं कराया आज, जा रहे हैं पेपर देने क्योंकि पेपर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेकफास्ट। तो चलो निकल रहे हैं, मेरी बाइक से चल रहा है साला। चलो फिर चलते हैं, टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया है 10:21 हो गए हैं, 11 बजे से हमारा पेपर है और अभी पेट्रोल भी डलवाना है। चलो चल रहे हैं। तुम्हारा भाई हो चुका है, पेपर दे के आ गए हैं। पेपर आज का जो था वो अच्छा खासा गया है, SQL का पेपर था तो इसी में हमने वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है अच्छा पेपर गया है। बाकी इन लोग के ऊपर डिपेंड है क्योंकि ये इग्नू की जो मेन वो है ना, मेन ब्रांच है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहन बहुत ड्रामे करते हैं, ठीक है। और ये भाई हमारे आज हमारी बाइक चलाने वाले हैं, तो चलो इन भाई की ड्राइविंग दिखाऊंगा आपको, पीछे बैठे बैठे देखना क्या चलाएगा चूतियों की तरह भी ये, ठीक है दिखाता हूँ। भाई रॉन्ग साइड से शुरू, चलो सर चलो चलो चलो, ओ ये तेज चलते हैं सारे रोडों पर, आगे थोड़ा कदम ले रहे हैं ग्रेटर के लास्ट से मारेंगे राइट और अंदर पहुंच के अंदर पहुंच जाएंगे सीधा तारा, इधर तारा निकलेंगे हम यहाँ से अंदर देख लो ग्रेटर के लास्ट का एड्रेस तारा पहुंचेंगे यहाँ से। तारा पहुंचने के बाद बगल का बाद गाँव जब आएगा तो हम खाएंगे कल की तरह आज भी कटोरी। कैसे लोग मिलते हैं देखो देखो कहाँ से गाड़ी मोड़ रहा है, इसे अब ध्यान आया होगा कि मुझे राइट जाना है। हाँ देखा बुढ़े लोग भाई, मेरे पापा हमेशा समझाते हैं एक लड़कियों से और एक बुढ़ों से, हमेशा सावधान चला करो क्योंकि इनके दिमाग में कब कहाँ क्या आ जाए कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल भी देख लिया अभी आपने, ठीक है इतनी महंगी गाड़ी लेकर के देखो कहाँ से मोड़ रहा था। और जैसे स्कूल की मैं बात कर रहा था वो स्कूल यही है क्या, हाँ यही है भाई। देखो इस स्कूल के बारे में अभी आपको दिखा बताता हूँ, मेरा ये जो लिख रहा ना डॉन बॉस्को स्कूल, भाई मैंने सुना है बहुत रईस बाप की औलाद पढ़ती है इसमें, बहुत महंगा स्कूल है। हमें भाई 8वीं के बाद बता रहा हूँ, 9वीं से 12वीं तक की जो भी पढ़ाई है सरकारी स्कूल की और प्राइवेट स्कूल की सेम होती है, और तुमने कौन से स्कूल से 12वीं करी है कोई नहीं पूछता क्योंकि गवर्नमेंट में भी CBSE होता है और प्राइवेट में भी CBSE। तो भैया कुछ नहीं है, हवाबाजी मत बनाओ कि इस स्कूल से पढ़ रहा है, इस स्कूल से महंगी पढ़ाई कर रखी है, कुछ भी नहीं है, हम सरकारी से पढ़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई और इनकी पढ़ाई देखिए, और मोस्टली बता रहा हूँ रईस बाप के औलाद मैंने चूतिया ही देखी है, ढूंढनी सरकारी जॉब। हाँ साले प्राइवेट से पढ़ेंगे और फिर यूँ कहेंगे कि बहन से सरकारी नौकरी चाहिए। अब कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में, नहीं कुछ तो बोल दे, क्या ही बोलूँ बस लाइक करो शेयर करो है। चलो भाई ठीक है, ये साले पढ़ते प्राइवेट में, इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होती है, ठीक है भैया इससे अच्छा सरकारी से पढ़ो, सरकारी से ले लेना
भाई पढ़ाई सेम होती है 9वीं से 12वीं तक की, मैंने हर जगह देखी है, ठीक है, कुछ नहीं लगा। और रईस बाप की, जितनी रईस बाप की औलाद ना उतने ही चूतिया बच्चे उनके, उतने ही चूतिया, क्योंकि दुनियादारी देखते नहीं है, चूतिया बने रहते हैं। मेरे साथ में दो एग्जाम्पल रहे हैं भाई, और नाम भी ऐसे था भाई, दिल्ली के सब तक ठीक है, जो जो पता नहीं पबजी खेलने के चक्कर में ना एक बार छत से कूद रहा था, ऐसे ऐसे चूतियाँ हैं मेरे हमारे साथ में, अब नहीं है खैर, अब नहीं रखता मैं अपने साथ, मगर टेंथ क्लास की बात बता रहा हूँ तब भी थे। तो चलो तारा तो पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले, मतलब तारा की मार्केट आ गई है ये पीछे। चलो मिलते हैं अभी, तुगलकाबाद गाँव में आपसे जी, कचौड़ी खाने के लिए तुगलकाबाद की बत्ती है जी, ये उतर रहे महाराज जी बाइक पे, ये रहे कचौड़ी वाले, चलो तो खाते हैं। तो घर में अभी गेट खोला, ये कहाँ बैठा है भाई, हमने कपड़े धोए हैं, कुछ शरम बरम कर लिया कर, इधर उधर की थोड़ी बहुत रख लिया करो, मेरे घर वाले ही नहीं आए अभी, तभी तो बैठा हुआ मौज में, ये देखो चढ़ गया वो ऊपर, चलो ये खड़ी इसकी बाइक, आ जा भाई लोग दोबारा पूल खेलने, कुछ काम से गया था मान के पास, कुछ काम के लिए कॉल आया था इसका, काम करके आ गए पूल खेलने, और आज देखते हैं, आज हम दो अकेले ही हैं, देखते हैं आज कौन कितना जीतेगा, चलो पहला मैच देखते हैं। स्कूल खेलते वक्त की वीडियो इतनी बनाई नहीं क्योंकि मन नहीं था, और खेलने आए थे तो खेला है मजाक से, मतलब मजे से, तो अब टाइम हो गया निकलने का, निकलना है घर, एक्चुअली मेरे को फ़ोन की दुकान पर जाके फ़ोन भी पता करना है, तो मान को घर पर फेंकते हैं और फिर कहीं देखेंगे अब। चलो भाइयों, तो सॉरी शाम में बहुत देर तक मैं अभी ने मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वैसे शाम को मान के पास से आया था, वही ब्लॉग था, और बाकी अभी लक्की को घुमा के आ गए हैं, और मैं क्या था अभी फ़ोन लेने, एक्चुअली क्या ना मम्मी और बड़ी मम्मी जा रही है गांव, ज़रा कुछ काम है, किसी की तेर भी है तो वहाँ जा रहे हैं, और दादी के लिए नया फ़ोन लिया है तो दादी के पास भेजना है, तो अभी जा रहा हूँ जयपुर, मम्मी को फ़ोन पकड़ा दूंगा, और कल शुभम की इंगेजमेंट है तो उसके लिए भी बात करनी है, और ज़रा एक जिम भी जाना है अभी, तो आज जयपुर वाली जिम में चलेंगे, करने नहीं है वहाँ पर, मिलने चलेंगे सबसे, क्योंकि सारे अपने भाई जानकार हैं तो वहाँ चलते हैं। मम्मी अभी तक आई नहीं, मम्मी आने वाली है, आने वाली ही हैं, 5-7 मिनट में आ जाएंगी शायद, तो मैं निकल जाता हूँ, तो चलो यहाँ से पैकिंग वैकिंग करते हैं और सीधा पहले पहुँचूँगा जिम। टाइम क्या हो गया, 7:02 हो रहे हैं, अगर टाइम मिठापुर में जाम नहीं लगा तो पहले पहुँचूँगा घर, फिर वहाँ जाएंगे जिम, और अगर जाम लग गया तो पहले चलेंगे जिम, फिर जाएंगे जिम वहाँ घर, तो पहले देखते हैं, चलो निकलते हैं पहले यहाँ से तो निकले। हाँ जी भाइयों, तो आज जैसा मैं अभी जयपुर के लिए निकल गया था अपने घर पर, वहाँ घर पर गए, जिम में भी गए और दोस्तों से भी मिले, और जिन दोस्तों के साथ पर मैं था उनके साथ मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग मिले थे, और गाली गलौज था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग को पता ही है दोस्तों में जब भी टाइम के बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो गाली गलौज ही होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा गाली गलौज हो रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया उनके साथ का, और मतलब बनाया ही नहीं, मैंने जयपुर गया था, मैंने एक भी ब्लॉग शूट नहीं करा वहाँ पर, और अब जो है मैं अपने घर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ, मम्मी जरा जागरण में गई है, मम्मी के पास जा रहा हूँ, मम्मी को लेके आते हैं, और जो जागरण में हो रहा होगा उसकी मैं 4-5 सेकंड की एक क्लिप बना के बस डाल दूंगा छोटी सी, क्योंकि बड़ी डालने पर कॉपीराइट आता है और तो चाहिए नहीं, तो ठीक है मम्मी को लेने जा रहा हूँ, मम्मी को लेके आता हूँ, और बाकी घर आ करके ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये ब्लॉग एंड होने से पहले बहुत कुछ बताने वाला हूँ, उसके लिए वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। पर हो रहा जागरण और मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने जूते पहनने की वजह से माता में यहीं से देख लिया है, भगवान जी माफ करें भाई मैं जा नहीं पाया, तुम्हारा भाई यहाँ से निकल रहा है क्योंकि मम्मी कह रही मम्मी लेट आएंगी, तो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ और ब्लॉग की एंडिंग करनी है, आप लोग को बहुत कुछ बताना भी है, खाना पीना खाई लिया है घर पर, और चल रहे हैं यहाँ से घर, और फिर घर पे जाके आपको बातें बताता हूँ अब, और फिर करते हैं ब्लॉग की एंड, ठीक है। हाँ जी भाई, तो तुम्हारा भाई जो है घर पर आ गया है, ठीक है, और अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, चेंज क्या कर रहे हैं उतारे हैं जो ऊपर ऊपर जैकेट वगैरह पहन रखी थी, और जो मैं आप लोग को बात बताने वाला हूँ वो बात ऐसी है कि कल है हमारे भाई की एक इंगेजमेंट, ठीक है, मतलब हमारे एक भाई की इंगेजमेंट है, बिल्कुल ख़ास वाला भाई है, बचपन से जिनसे दोस्ती रही है, वही शुभम सेलिब्रिटी आप सबको याद होगा, तो उस भाई की कल इंगेजमेंट है, तो कल का पूरा व्लॉग जो है सुबह से लेकर रात तक का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हो सकता है कल का जो व्लॉग हो बहुत लंबा हो, ये आज का शायद ना भी हो,
पर कल वाला जो व्लॉग होगा वो बहुत लंबा व्लॉग होगा, मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास होगा, तो आराम से देखना। और बाकी मैं उन लोग को बता दूं भाई, जो मेरा भाई व्लॉग देख रहा है उनको मैं, जिन्हें मतलब मेरे व्लॉग में गाली गलौज पसंद नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि कल वाला जो व्लॉग होगा हमारा भाई, उसमें होगी बहुत ज़्यादा गाली गलौज, क्योंकि हो रहे हैं हम सारे यार दोस्त इकट्ठे। ठीक है, मतलब जितने भी हम बड़े बड़े दोस्त हैं हम सारे इकट्ठे होंगे, कोई बच्चा नहीं होगा उसमें और किसी की भी फैमिली नहीं होगी। और यार आप सबको तो पता ही है, जब एक बैचलर टाइप के दोस्त मिलते हैं तो गाली गलौची होती है। तो जो भी होगी मैं आपको इसमें डाल दूंगा यूट्यूब पर भैया, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ रहते हैं। मगर हाँ, जो ज़्यादा जब ज़्यादा गाली आएंगी तो मैं नहीं डालूंगा। बाकी मेरे कोई भी रिलेटिव और मम्मी पापा, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई कल वाला व्लॉग मत देखना, क्योंकि उसमें होंगी ज़्यादा गाली गलौज। हम नॉर्मल जैसे रहते हैं अपने यारी दोस्ती के साथ, वैसे ही आपको दिखाएंगे कल। और कल का जो व्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और रात तक का व्लॉग आएगा 11 बजे के आसपास तक का। ठीक है, तो कल वाले व्लॉग का आप वेट करना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग दूंगा कल वाला मैं आपको, बहुत ही मज़ा आएगा जिसमें कि आपको। तो ठीक है, और आज के लिए इतना ही, ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं करा आज, क्योंकि मन भी थोड़ा सा अजीब सा रखा था, और गाली जिन दोस्तों से आज मिले हैं, जिनका कल प्रोग्राम है मिलने का, तो गाली गलौज होने वाली है, गाली गलौज हुई भी थी आज, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं ऐड करा। और शाम से लेके अब तक का मेरे ख्याल से कोई भी मैंने शूट ही नहीं करा वहाँ पर जैतपुर में, दोस्तों के पास गया, जिम गया, जिम में भी अपने सारे भाई जानकार हैं, कहीं का भी शूट नहीं करा, कहीं की भी कुछ पोस्ट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और चलो आज के व्लॉग की यहीं करते हैं एंडिंग। सारे भाइयों को गुड नाइट, जय श्री राम, मिलते हैं आप सभी को कल।